नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की नर्सरी की। तो किसान भाइयों, आपको ये नर्सरी दिखाई दे रही है, नर्सरी हमारी 9 दिन की है और आज हम प्याज की नर्सरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों, आपने प्याज की नर्सरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप प्याज की नर्सरी का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्याज के नर्सरी की। जब इसका जर्मिनेशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसकी केयर कैसे करें, तो इसकी आपको उचित जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आप अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, आपको ये नर्सरी दिखाई दे रही है, इस नर्सरी में हमें थोड़ा नुकसान सहना पड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 5-6 दिन से लगातार बरसात हो रही थी। हमने इसको ग्रीन नेट लगाकर कवर तो किया था लेकिन फिर भी लगभग हमारा 30-40% इसमें नुकसान हुआ है। और बात करें इस बीज के जर्मिनेशन की, तो इसका जर्मिनेशन मेरे अनुसार 85-90% इसका जर्मिनेशन हुआ था, लेकिन हमारी बरसात के कारण ये नर्सरी को कुछ नुकसान सहना पड़ा है। लेकिन जो हो गया वो हो गया क्योंकि प्राकृतिक आपदा को कौन टाल सकता है। तो किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं इसकी केयर की ओर। केयर के लिए हमें सिंचाई और खाद का अच्छी तरह प्रबंध करना होगा। तो अब बात करें हम इसमें देने वाली स्पेशल खाद की, तो स्पेशल खाद में हम किसान भाइयों रासायनिक विधि और जैविक विधि दोनों विधि आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक विधि की, तो किसान भाइयों, जब हमारी नर्सरी 10 दिन की कंप्लीट हो जाती है तो हम उसमें NPK 19-19 15 लीटर पानी में 50 ग्राम मिलाकर एक हल्की स्प्रे करें। वहीं बात करें सिंचाई की, तो किसान भाइयों, सिंचाई में जब हमारी NPK 19-19 की पहली स्प्रे की जाती है उसके तुरंत बाद ही उसमें सिंचाई कर दें। दूसरी सिंचाई हमें जब हमारी नर्सरी 15 दिन की हो तब करनी होती है, और इस नर्सरी में हमें NPK की थोड़ी वृद्धि करनी होती है क्योंकि NPK जब तक हमारी नर्सरी थोड़ी बड़ी हो जाती है, और NPK 19-19 हमें 100 ग्राम 15 लीटर की टंकी में डालनी होती है। किसान भाइयों, स्प्रे करने के तुरंत बाद ही हमें इसमें सिंचाई कर देनी है। अब बात करें किसान भाइयों जैविक विधि की, तो जैविक विधि में हमें जीवा अमृत की स्प्रे करनी है, साथ ही साथ जो हमारे घर में लकड़ी या कंडे की जो राख होती है उस राख को हमें हमारी प्याज की नर्सरी पर बुरकाव भी करना है। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी का हम पार्ट 3 लेके आएंगे क्योंकि जब हमारी नर्सरी 20-25 दिन की हो जाती है तब हमारी नर्सरी के में प्याज की जो ऊपर से जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले होकर और हमारी नर्सरी बनने लगती है। तो किसान भाइयों, जल्द ही हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे। जो किसान भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान भाइयों, जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।